ग्वालियर में एक महिला जया रोग अस्पताल के पास घायल अवस्था में मिली, जिसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सिकंदर कंपू क्षेत्र में रहने वाली ममता चौहान नामक महिला की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रात 8 बजे बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदने महिला सराफा बाजार गई थी, जिसके बाद महिला का फोन बंद आने लगा। जानकारी के अनुसार महिला के पास किसी का कॉल आया था, जिसके बाद वह अपनी गाड़ी से बाहर गई थी। बाद में महिला घायल अवस्था में जया रोग अस्पताल के पास मिली। घायल अवस्था में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। महिला की स्कूटी गायब बताई जा रही है और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया है। महिला के पति ने फिलहाल किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। महिला का नाम ममता चौहान है और परसों लगभग रात को 10 से 11 के बीच में ऐसी सूचना मिली थी कि किसी ने इसको मारा है। तो इसके फेस पर काफ़ी घाव वगैरह के निशान थे, तो उसको फिर तुरंत ही हमने ट्रॉमा सेंटर के थ्रू ICU में भर्ती कराया है। और ऐसा दुखद सूचना मिली थी कि आज करीब 9 से 9:30 के बीच में उसकी डेथ हुई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।